दुर्ग स्टेशन में सिंधी समाज द्वारा यात्रियों को पानी पिलाने का कार्य किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से यह कार्य अनवरत जारी है। शदाणी युवक मंडल दुर्ग के बैनर तले लगभग 60 युवक रोजाना दिन भर लंबी दूरी से आने व जाने वाली ट्रेनों के यात्रियों को निःशुल्क पानी पिलाते आ रहे हैं। रोज हजारों यात्रियों को अपनी सेवाएं ये दे रहे हैं। इस सेवा कार्य के बारे में जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष ने मीडिया को कुछ इस प्रकार से जानकारी दी। पूज्य शदाणी दरबार के वर्तमान पीठाधीश्वर संत श्री युधिष्ठिर महाराज के आशीर्वाद से वर्ष 2014 से यह जल सेवा कार्य यहाँ पर हर साल गर्मी के दिनों में अप्रैल से जून तक ये सेवा यहाँ की जाती है। अलग अलग ग्रुप बनाकर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक ये सेवा यहाँ पर होती है। विशेषकर हम ट्रालियों के माध्यम से जो जनरल बोगी में यात्री जो नीचे उतर नहीं पाते भीड़ के कारण, उनको उनकी बोगी तक जल पहुँचा कर पिलाते हैं। और स्लीपर बोगियों में भी ये ट्राली के माध्यम से जल सेवा देते हैं हम। यह 9वां वर्ष इस जल सेवा का। यहाँ पर लगभग 50 से 60 सेवादारी यहाँ पर जल सेवा के सुबह 8 से शाम तक यहाँ पर सेवा अलग अलग ग्रुप में देते हैं। और इस पुनीत कार्य को करने में हमें रेलवे प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिलता है। और इसमें सिंधी समाज के सभी वर्ग, बच्चे बुजुर्ग, युवा सभी यहाँ आकर सेवा देते हैं।